मेरा नाम आशीष है। देखो, अलाव की तो कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। जो भी पॉइंट्स बनाए हैं इन्होंने अलाव डालने के लिए, गाड़ी आती तो है लेकिन वो खाली रहती है। अगर गाड़ी आती भी है तो अलाव डलता नहीं है। जिस जगह पे अलाव डलना चाहिए उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। यात्री भी आता है हरिद्वार में, डेली चलती है रोड, रात को भी चलती है, दिन में भी चलती है, तो उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। ये अपनी व्यवस्था करेगी, जो अपनी लकड़ी खरीद के मंगवाई है उसके लिए जलवाई भी है। देना तो चाहिए लेकिन ध्यान है ही नहीं, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम। हमारा नाम राजीव। बस स्टैंड पे बहुत ज़्यादा ठंड है और हम तो यही देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और ठंड के मारे बहुत बड़ी परेशानी भी दिखाई दे रही है कि ये बस अड्डा है, आदमी यहीं पे आके अपनी यात्रा देखता है या यहीं टिकता है, मगर यहाँ भी कुछ आग वाग का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हरिद्वार के अंदर कहीं आग नहीं है। यहाँ रेलवे स्टेशन क्या, हर की पौड़ी क्या, भीमगोड़ा क्या, खरखड़ी क्या, कहीं नहीं है आग। राजेश कुमार, ठंड तो काफी बढ़ी हुई है, माइनस डिग्री में चल रहा है। अलावे की व्यवस्था होनी चाहिए सही मायने में, तो यही है कि लकड़ी की व्यवस्था हो, यात्री भी तापेंगे और भाई हम भी ताप, इस बार नहीं है। परेशानी तो होती है, देखो जब मान लो रात में खड़े हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। निगम तो एकदम पता नहीं, कोई कुछ लगे नहीं ऐसा कुछ हो। मेरा नाम विकी है भैया। ठंड की स्थिति भैया बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा स्थिति है, पर इनको सोचना चाहिए यहाँ के लिए। हर तरफ से आदमी आता है यहाँ पे, सुख में दुख में हर तरफ से हर तरीके आदमी आता है यहाँ पे, पर इनको सोचना चाहिए यहाँ के लिए। कहीं नहीं मिला भैया, कुछ भी नहीं मिला हमें। हम लोग उल्टा ढूंढ रहे हैं कहीं कोई हमारे को जो जगह मिल जाए, कोई रुकने की जगह मिल जाए, या कोई आत्मा सीखने की जगह मिल जाए, कि सड़क पे सोने की जगह मिल जाए। ठंड भी ज्यादा है, कुछ नहीं मिला भैया, कुछ भी नजर नहीं आया भैया यहाँ पे।